आया आपको एक किस्सा सुनाने आया। आज फिर आपको एक ठग का किस्सा सुनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, किसने कहा गुजरात का? आप यूं ही बोल रहे हैं गुजरात का? ये वाला गुजरात का नहीं है। जो जब देश में तेल के दाम बढ़ रहे होते हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे होते हैं, राशन के दाम बढ़ रहे होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल व्हाट्सएप फॉरवर्ड चला देती है कि साहब शेर पाला है तो ये तो होगा, और इस शेर ने अब एक शेरपुरिया पाल दिया। इस ठग का नाम है शेरपुरिया। अब लोग कहते हैं कि शेर नहीं पाला है, हम तो नहीं कहते। एड्रेस क्या है? रेसकोर्स रोड, लटियंस गैंग। हम पर आरोप लगते हैं लटियंस गैंग। तो ये जो शेरपुरिया साहब हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के तंत्र में, उनके इकोसिस्टम में किस तरह से घुसे हुए हैं, ये हमने और आपने पिछले 3 दिनों में लगातार फोटोग्राफ्स देखी। और फोटोग्राफ्स ऐसी नहीं है कि सार्वजनिक जगह पर कहीं फोटोएं खिंचवा लेते हैं जैसे लोग हम एक दूसरे के साथ, वैसी नहीं है। ये प्रधानमंत्री को टैरेमैक पर बुके देते हुए, पुष्प गुच्छ देते हुए, प्रधानमंत्री को टैरेमैक पे मिलने की हिम्मत या अनुमति किसको मिलती है? जो उनके अपने होते हैं, जिनको वो पहचानते हैं, जिनको उनका तंत्र पहचानता है और अपना मानता है। हर कोई नहीं जा सकता प्रधानमंत्री को बुके देने के लिए टैरेमैक पर। थोड़े दिनों पहले भी मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था, किरण पटेल का किस्सा सुनाया था। हां, वो गुजरात के थे। ये जो हैं, ये गुजरात के दामाद हैं। इनकी पत्नी गुजरात की, पहली कंपनी इन्होंने गुजरात में बनाई, वो कंपनी डूब गई, 350 करोड़ का कर्जा। ये सुनकर मुझे बड़ा अटपटा लगा, बड़ा बुरा लगा, अपने प्रधानमंत्री के लिए बड़ा बुरा लगा। अरे साहब, आपके दोस्त हैं, हजारों करोड़ का गबन करके जाते हैं, एक 350 करोड़ का गबन क्या स्तर है भाई? कुछ कमजोर पड़ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। दोस्ती का फायदा भी नहीं दिलवा पाए पूरा। 350 करोड़ का गबन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो मेरे सामने मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरे बगल में जो मेरा दोस्त बैठा है और मैं खुद, ये हमारा और आपका पैसा लेकर 350 करोड़ ये शेरपुरिया जी ने ढेरपुरिया कर दिया, बर्बाद कर दिया, गबन कर दिया। रेस कोर्स में जो घर इन्होंने ले रखा था किसी महिला के नाम पर, उसमें अब इनका नेटवर्क देखो कितना बड़ा, इतना बड़ा नेटवर्क कि जो वाईफाई का जो नेटवर्क है उसका नाम था पीएमओ। ये आपको मजाक लगेगा, लेकिन जिनके इशारे के बिना इस देश में, इनकी आईटी सेल कहती है, पत्ता भी नहीं हिल सकता, उनकी घर के पीछे एक महाठग उनके नाम का उपयोग करता है, उसका वाईफाई भी इन्हीं के नाम का उपयोग करके चलता है। बड़े बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को, अफसरों को इस्तेमाल करता है। अब वो डालमिया नाम की एक कंपनी है, ईडी के साथ सेटलमेंट करने के लिए डालमिया तक को लूट लिया था। और एनजीओ भी चलाते हैं। अच्छा, वैसे एक बात देखिए आप, जितने जो महाठग निकल के आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथी भी अपने आप को बताते हैं, उन सबका बायो देखिए, बड़ा मजेदार होता है। राष्ट्रभक्त, भगवान के नाम होंगे। और ये जनाब तो हमारे किसी साथी की एक अखबार में साप्ताहिक लेख लिखते थे, धर्म पर, आध्यात्मिकता पर, हर सप्ताह। चलो लिखते तो सब है, हम भी लिखते हैं, छपता नहीं है। ऐसी अखबार, कोई छोटी मोटी अखबार नहीं, वो हुंकार दैनिक, चित्कार दैनिक नहीं थी, बड़ी अखबार, नाम नहीं लूंगा, उस अखबार में कॉलम लेने के लिए बड़े बड़े लोगों का फोन कराओ तब जाकर एक कॉलम मिलेगा उसमें, हमें नहीं मिला अभी तक। इन्होंने वादा किया था, अभी तक नहीं दिलवाया।
याद है ना, वो ही अखबार है। उस अखबार में साप्ताहिक लेख अच्छा जीवन कैसे जिए, सनातन धर्म क्या है, और तो और जनाब ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक पुस्तक भी लिख दी उनका स्तुतिगान करने। तो ये सब हो रहा हो और प्रधानमंत्री को मालूम नहीं पड़े, क्या ये संभव है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये संभव है? आप आज अभी यहां से निकलकर एक स्टोरी फाइल करिए प्रधानमंत्री के खिलाफ, चुनौती देता हूं 5 मिनट में। वो है ना हमारा एक पड़ोसी है नाम जिसका जोशी है, उसका फोन आ जाएगा, उनको मालूम पड़ जाएगा कि आप लोग कोई स्टोरी लिख रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। लेकिन ये जनाब मोदी जी पे किताब लिखते हैं, रोज हर हफ्ते एक आर्टिकल लिखते हैं, राष्ट्रभक्त बताते हैं अपने आप को, मोदी जी के नाम को का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, सदुपयोग करके लूट रहे हैं लोगों को, और मोदी जी को पता ही नहीं आखिर कहां व्यस्त हैं, हमें नहीं मालूम। इनका सोशल मीडिया प्रोफाइल जरूर देखिएगा, और प्रधानमंत्री के साथी भी राजनाथ सिंह जी एक कार्यक्रम में इनका भाषण सुनते हुए ताली बजा रहे थे। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अफसर, जो इनकी फाउंडेशन चलती है उसमें कुछ अफसर सलाहकार हैं, रिटायर्ड आईएएस अफसर। एक तो ऐसे अफसर हैं जिनके तार वो किरण पटेल से जुड़े हुए हैं। और एक बड़ी रोचक बात बताऊं, संवेदनशील राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब, बहुत संवेदनशील राज्य है, वहां जो उपराज्यपाल होगा वो जाहिर सी बात है बहुत समझदार व्यक्ति होगा, उन्होंने इन जनाब से 25 लाख का लोन लिया। ये हम नहीं बोल रहे, उनका एफिडेविट बोल रहा है। ये हो क्या रहा है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, हम में से तो किसी को नहीं समझ में आ रहा ये हो क्या रहा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब एक ठग से 25 लाख का लोन लेते हैं। ये वो ठग है जिसकी कंपनी डूब चुकी है, ये वो कंपनी है जिसने 350 करोड़ SBI से लिया था, गुजरात की कंपनी। अब मैं सवाल भी पूछूं तो किससे पूछूं, यही नहीं समझ में आता, जवाब दे कैसे पाएंगे? आपका पड़ोसी है साहब, आपके नाम का उपयोग कर रहा है जनाब, और आपको हवा ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हो सुबह से शाम तक, पूरा विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु, ये है हमारे विश्व गुरु। ओ विश्व गुरु जी, घर के पीछे क्या हो रहा है वो तो बता दो जरा देश को, हम आपको विश्व गुरु मान लेंगे। जो आपके नाम से आपके चेले कर रहे हैं पहले उनका तो देख लो जरा, उस विषय में तो जवाब दे दो। 52 शेल कंपनीज बनाई है साहब ने, 52 शेल कंपनीज, सरकारी बैंकों से लूटे 225 फर्जी ईमेल आईडीज। मतलब इनका बायोडेटा देखो तो अगली टिकट पक्की लोकसभा की, नहीं तो फिर राज्यसभा पक्की। और बड़े बड़े लोग जिसमें ओम बिड़ला जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, इनकी तारीफ इनके कार्यक्रमों में दिखेंगे आपको, सब जगह इनके जो संबंध है इस व्यक्ति के, इस इकोसिस्टम के साथ, जो लटियंस का नया इकोसिस्टम है, वो आपको सरेआम दिख रहा है। हमें नहीं मालूम संबंध है या नहीं है, हमें यह मालूम है कि पड़ोस में रहता था, आपके नाम का वाईफाई इस्तेमाल करता था, आपके ऊपर किताब लिख चुका है, अपने आप को राष्ट्रभक्त बताता है, जो जो लिखा जाता है आजकल भक्त लिखते हैं वो सारा लिखता है, और आपको पता नहीं था। कुछ लोग हमें बताते हैं, क्योंकि आजकल जो लटियंस गैंग में नए फिक्सर्स भी हैं कुछ, उनमें से एक आध फिक्सर ने हमें भी फोन किया कि बोले साहब आप नहीं समझ पाओगे। मैंने कहा मैं मानता हूं हम नहीं समझ पाएंगे, इसमें सरेंडर, हम नहीं समझ पाएंगे, बताओ अब आप। बोले ये गैंग वॉर चल रहा है। मैंने कहा किसका गैंग वॉर चल रहा है? बोले यूपी वर्सेस दिल्ली,
मेरे को तो अभी तक नहीं समझ में आया कि ये अलग अलग कैसे हो गया और गैंग क्यों बोलते हैं। बोले आपने नहीं समझा, यूपी ने प्रधानमंत्री के करीबी व्यक्ति पे रेड डाली, उसके कुछ दिनों के अंदर अंदर दिल्ली ने बदला लिया और एक सरिया व्यापारी के यहां रेड डाली जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के करीब है। ये क्या चल रहा है इस देश में, मजाक बना रखा है आप लोगों ने इस देश में, सरकार चला रहे हैं या मजाक बना रहे हैं? तभी अब समझ में आता है कि आप हवाबाजी करते रहेंगे, दिन भर उल्टी सीधी अनाप शनाप बातें करते रहेंगे, अंदर यह चल रहा होता है। हम जो जवाब देना चाहे उससे जवाब मांगते, हमें नहीं मालूम कौन जवाब दे पाएगा। आरएसएस देगी, आदित्यनाथ जी देंगे, स्वयं महामहिम प्रधानमंत्री जी देंगे, गृहमंत्री देंगे, कौन जवाब देगा? या वो जो पड़ोसी जोशी, कोई तो जवाब दे आकर। चलिए आप पूछ लीजिए हमसे सवाल, मैं आपको ये भेज रहा हूं, थोड़ा चेंजेस करने आपके सवाल। जी या तो आपको इस विषय में मुझसे भी ज्यादा मालूम है इसलिए आप सवाल नहीं पूछ रहे, या आप जानना नहीं चाहते। चल रही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ पूछिए पूछिए, 5 मिनट हैं सर, चलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने, प्रधानमंत्री माइक उनके पास है सर, वो आपको भी चाहिए होगा सर। प्रधानमंत्री मोदी, जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि हम पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, सरकार आएगी हमारी सांप्रदायिक एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मंगलवार का दिन है, हम बजरंग बली को नमन करने आए हैं और कांग्रेस जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद कर। शर्म आनी चाहिए, अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी, मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी, इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था याद है 2017 में, कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं, आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या विचार है उनके बजरंग दल के विषय में। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये अपमान नहीं सहेंगे हम, कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली का हम? अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, हम अपने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को, लेकिन कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं। अपमानित करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं दिया किसी ने भी, मेरी आस्था को अपमानित किया उन्होंने आज। पूछिए जरा उनसे ध्रुव सक्सेना से उनके क्या संबंध है, और पूछिए हनुमान चालीसा आती है उनको? और प्रधानमंत्री जी के लिए तो मैं दो शब्द कहूंगा, दो लाइनें कहूंगा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, जाके उनको बताइए और उनसे पूछिए इसका अर्थ मालूम है, और अगर अर्थ मालूम है तो आत्मसात करें ये अर्थ। आप कह रहे हैं कि बजरंग बली का अपमान उन्होंने किया है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, तो क्या आप केस करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे? हम इस देश में धर्म और राजनीति को अलग रखते हैं, यह देश मुद्दों पर चुनाव लड़ता है, यह देश मुद्दों की राजनीति को बर्दाश्त करता है, पसंद करता है, स्वीकार करता है, इस तरह की ओछी बातों को यह देश नहीं मानेगा। हम क्या बदला लेंगे, हम क्या केस करेंगे? जवाब मिल जाएगा इनको 13 मई को। सर आपने ये जो प्रॉमिस किया है ये कर्नाटक का में किया है, तो आपकी और भी स्टेट्स में गवर्नमेंट है क्या, वहां पर भी वहां के लोगों को क्या चाहिए? वहां के लोगों से चर्चा करने के पश्चात मैनिफेस्टो बनाया जाता है। ये जो मैनिफेस्टो बना है वहां के लोगों की क्या मांग थी, उस मांग को दिमाग में रखते हुए फिर हमने ये लिखा है। जी सर, इसी का सप्लीमेंट्री है, नीरज न्यूज 18 इंडिया से, यानी आप कह रहे हैं कि
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग नहीं चाहते कि बजरंग दल पे बैन लगे, कर्नाटक के लोग चाहते हैं। इसलिए जब वहां का मैनिफेस्टो बनेगा, जब वहां कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू होगा, मैं अभी की बात कर रहा हूं, पिछले 5 साल में जो जो कांड इन लोगों ने किए हैं वो आपके सामने है। आपके सामने है किस तरह से ध्रुव सक्सेना कौन था बताइए। चलिए मैं पूछता हूं, मोदी जी जवाब दें, पहले माफी मांगे हमसे, मुझ जैसे कई भक्त हैं हनुमान जी के, उनसे माफी मांगे पहले मोदी जी, और फिर जवाब दे कौन है ध्रुव सक्सेना। और जवाब नहीं मालूम है उनको तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से फोन करके पूछ लें। सॉरी लेकिन कुछ चीजों पे गुस्सा हमें भी आता है। पवन जी, आपके राजनीतिक सहयोगी हैं शरद पवार, उन्होंने पार्टी का पद छोड़ने का, अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया है, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? ये उनका आंतरिक मामला है, बहुत वरिष्ठ राजनेता है इस देश के, हर पार्टी में उनका सम्मान है। उनकी पार्टी के भीतर क्या निर्णय लिया जा रहा है उसमें हम हस्तक्षेप करें, सार्वजनिक रूप से हस्तक्षेप करें, वो उचित नहीं होगा। हाँ जी सर, एक और हेमंता विश्व शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इसमें बजरंग दल को बैन करने की बात है क्योंकि पीएफआई पहले से बैन है, मुस्लिम आरक्षण को दोबारा से देने की बात है, तो इतना तो जिन्ना का आरक्षण वो लगता है घोषणा पत्र ये कांग्रेस का नहीं, और आज से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। इस तरह की हल्की बातों का मैं जवाब देने नहीं बैठा हूं। मैं हेमंता विश्व शर्मा से भी कहता हूं कि वो माफी मांगे हम जैसे हनुमान जी के भक्तों से, पहले माफी मांगे फिर उनसे चर्चा होगी। ऐसे ही चले आएंगे मुंह उठाकर हनुमान जी के खिलाफ बोल देंगे और बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करेंगे, हमारे भगवान से हैं कौन भाई, कौन है ये लोग? धन्यवाद, थैंक यू।